God, you need a factor in fuck. You feel this waste of my son, this is bitch. Once more! Once more! Once more! Like, oh my God, you need a factor in fuck. You feel this waste of my son, this is bitch. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हो इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस वीडियो कैसे एडिट करते हैं एलर्ट मोशन ऐप में, जो दोस्तों आप लोग वीमे में देखा। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आप लोग क्रिएट करना चाहते हो यानी कि इस तरह का एटीट्यूड स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए एलर्ट मोशन ऐप की जरूरत है। दोस्तों, आपके पास एलर्ट मोशन ऐप नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल में जाकर एलर्ट मोशन ऐप को डाउन कर लेना। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर दोस्तों, आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर यहाँ पे आप लोगों को दो पीस लिंक और दो एक्सएम फाइल का लिंक मिलेगा। आप लोग कोई भी दोनों लिंक को एलर्ट मोशन ऐप में इनपुट कर लेना। दोस्तों, पीस लिंक को एलर्ट मोशन ऐप में इनपुट करने से पहले आप लोग इस ऐप्स के ऊपर आप लोग यहाँ पे सिंग इन कर लेना। दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्ट इनपुट जाने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट बटन पर टैप करना। फिर दोस्तों, आप लोग जो प्रोजेक्ट को एलर्ट मोशन ऐप पे इनपुट किया उसे आप ऊपर में देख पाओगे। एक संगवीर ब्लॉक सूचन और दूसरा सेकंड ब्लॉक सूचन। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग संगवीर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पिक्चर को आपकी ऐड कर लेना है। ऐड करने आप लोग 12 लाइन पे आना। फिर आप लोग नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया पे टैप करना। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग की गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग आपकी पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर में प्लस वाला बटन को टैप कर देना। फिर आप लोग इसके बाद में जो रेड लाइन है वहाँ पे आना। फिर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल वाला बटन को टैप करके आप लोग इसको ट्रिम कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर में थ्रीर के ऊपर टैप करके आप लोग फिल कॉम से एंड में टैप कर देना। फिर दोस्तों आप लोग मोबाइल टस्मार में आके इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग फिर से नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया में टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग एक और अलग पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर में प्लस वाला टैप करना। फिर इसके बाद में वाले रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में थ्रीर को टैप करके आप लोग यहाँ पे फिर कम से एरिया में टैप कर देना। फिर आप लोग मोबाइल ट्रांसफर में आके इसको आप लोग आपकी पिक्चर के अनुसार आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर से आप लोग नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया पे टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग एक और अलग पिक्चर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर आप लोग ऊपर में प्लस वाला टैप करना। फिर आप लोग इसके बाद में रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग ऊपर थ्रीर को टैप करके आप लोग फिर कम से में टैप कर देना। फिर आप लोग कैसे बजाना। फिर से आप लोग नीचे प्लस वाला टैप करना। फिर मीडिया पे टैप करना। फिर यहाँ पे आप लोग पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर में प्लस वाला टैप करना। फिर आप लोग इसके बाद में रेड लाइन पे आना। फिर आप लोग यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेना। फिर आप लोग ऊपर थ्रीर को टैप करके आप लोग फिर कम से में टैप कर देना। फिर दोस्तों आप लोग कैसे बजाना। फिर यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद यानी कि यहाँ पे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे जो PNG इमोजी लिया है यहाँ पे आप लोगों को PNG शो नहीं कर रहे थे यानी कि इस वाले इमोजी आप लोगों को शो नहीं कर रहे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके इस वाले इमोजी को डाउन कर लेना। फिर आप लोग यहाँ पे टैप करना। फिर कलर फिल्ड में टैप करना। फिर आप लोग मीडिया में टैप करना। फिर दोस्तों आप लोग इस वाले PNG को आप लोग के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना यानी कि ऐड कर लेना। फिर आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। फिर दोस्तों ये PNG लिया जाए खत्म है वहाँ पे आना। इस वाले रेड लाइन से इस वाले वीडियो के लास्ट तक आप लोग यहाँ पे इस तरह जिस तरह मैंने दिखाया उस तरह आप लोग यहाँ पे पिक्चर को ऐड कर लेना। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को पॉज करके पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सारे पिक्चर ऐड हो जाने के बाद आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ा जाना। फिर आप लोग यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे नीचे जो इमेज दिया है इस इमेज को टैप करना। फिर आप लोग इफेक्ट बटन को टैप करना। फिर थ्री डॉट को टैप करके आप लोग कॉपी इफेक्ट्स कर देना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ जाना। फिर आप लोग यहाँ पे सॉन्ग बिना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों वीडियो के फर्स्ट में जहाँ पे आप लोग पिक्चर ऐड किए यानी कि इमेज लेयर के आगे तक जितने भी पिक्चर आप लोग यहाँ पे ऐड किए है इन सारे लेयर में यानी कि इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोग इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। दोस्तों इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोग इमेज लेयर को टैप करना। फिर आप लोग इफेक्ट बटन को टैप करना। बैटरी को टैप करके आप लोग पेस्ट पे कर देना। फिर दोस्तों आप लोग कैसे बढ़ जाना। फिर आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना। फिर आप लोग इस पिक्चर टैप करना। फिर इफेक्ट बटन टैप करना। बैटरी को टैप कर आप लोग पेस्ट पे कर देना। फिर दोस्तों आप लोग कैसे बढ़ जाना। फिर आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना। फिर इफेक्ट बटन को टैप करना। बैटरी को टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर दोस्तों आप लोग ऐसे बाहर यानी कि इस वाले लेयर से बाहर आ जाना। फिर से आप लोग इसके बाद में पिक्चर लेयर पे आना। फिर आप लोग इफेक्ट बटन टैप करना। फिर थ्रीर को टैप करके आप लोग पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बजाना। फिर आप लोग यहाँ पे और इफेक्ट पेस्ट नहीं करना है। फिर आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ जाना। फिर आप लोग यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड ईमेल लिया है इस ईमेल को टैप करना। फिर आप लोग इफेक्ट बटन टैप करना। थ्रीर के ऊपर टैप करके आप लोग कॉपी इफेक्ट कर देना। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बैक करना। फिर यहाँ पे आप लोगों को जो 4 यानी कि 5 जो लिया देखिए ऊपर में आप लोगों को स्विच ऑन नेम वाली इन 5 लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना।
फिर आप लोग डॉल बॉक्स से टैप करके कॉपी फाइव लेयर्स कर देना, फिर दोस्तों आप लोग इस वाले प्रोजेक्ट से बढ़ जाना, फिर आप लोग यहाँ पे सॉन्ग विनर प्रिंट को प्रिंट कर देना। ऊपर करने के बाद दोस्तों या आप लोग सेकेंडरी लाइन पे आना यानी कि 12 पे आना, फिर आप लोग डॉल बॉक्स से टैप करके आप लोग पेस्ट फाइव लेयर्स कर देना, फिर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर इस इमोजी लिया जहाँ पे खत्म हो रही वहाँ पे आना है, यानी कि यहाँ से वीडियो के लास्ट तक आप लोग के इस वाले इफेक्ट को आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेना। दोस्तों इफेक्ट पेस्ट करने के लिए आप लोग इमोजी लेकर टैप करना, फिर इफेक्ट पर टैप करना और थ्रीडर कॉपी टैप करके आप लोग पेस्ट भी कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बजाना। दोस्तों इस तरह आप लोग इन सारे लेयर में यानी कि इन सारे पिक्चर लेयर में आप लोग इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेना। दोस्तों मैं यहाँ पे इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस वाले इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट होने के बाद आप लोग वीडियो के फास्ट में आना, फिर यहाँ पे आप लोग जो फाइव लेयर को पेस्ट की है इन फाइव लेयर में ऊपर में आप लोगों को दो इफेक्ट लेयर दिखेगी स्नो वाली, इन इफेक्ट लेयर के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में चले आना, फिर आप लोग यहाँ पे टैप करके आप लोगों को इस वाले बटन को टैप कर देना, फिर आप लोग यहाँ से बढ़ जाना, फिर आप लोग वीडियो के फास्ट में आना, फिर यहाँ पे आप लोग और एक स्नो वाले इफेक्ट लेयर दिखेगी, इन इफेक्ट लेयर को टैप करना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में आना, फिर आप लोग इस तरह आप लोग यहाँ वीडियो के लास्ट तक इनको कर लेना, फिर आप लोग फिर से वीडियो के फास्ट में आना, फिर आप लोग इन तीनों लेयर को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग वीडियो के लास्ट में आना, फिर आप लोग नीचे इस बटन को टैप कर देना, इस तरह आप लोग इन लेयर को वीडियो के इन तक कर लेना, फिर दोस्तों आप लोग यहाँ से बढ़ा जाना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों जिस तरह मैंने देखा उस तरह आप लोग इस वाले वीडियो को एडिट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे आप लोग फिर से फाइल को इनपुट करके वीडियो को एडिट कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे सॉन्ग को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग एक्सएमएल फाइल को इनपुट करके वीडियो को एडिट कर रहे हो तो आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों सॉन्ग कैसे ऐड करेंगे वो हमको दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो के फर्स्ट में आना, फिर आप लोग नीचे प्लस बटन टैप करना, फिर मीडिया पे टैप करना, फिर मैं दोस्तों इस वाले स्टेटस वीडियो के डाउन का लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो को आप लोग यहाँ पे डाउन कर लेना, फिर आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, फिर आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के ऊपर टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में थ्रीडर कॉपी टैप करना, फिर आप लोग नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में टैप कर देना, फिर आप लोग इस वाले वीडियो लेयर को टैप करना, फिर आप लोग ऊपर में डिलीट बटन को टैप कर देना। दोस्तों इस तरह आप लोग इस वाले स्टेटस वीडियो के गाने को आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है। फिर दोस्तों आप लोग ऊपर में इस वाले बटन को टैप करना, फिर आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन को टैप कर देना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे से बटन को टैप करके आप लोग वीडियो को सेव कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।